हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसे ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी के बारे में। वेलकम टू माय चैनल अमरसार एकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक एसे ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी एक वीडियो सीरीज मैंने बना के रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड केमिस्ट्री, जिसमें कि आप फर्स्ट चैप्टर जो है अपना उसमें नॉन एक्वस एसिड बेस्ड स्टेटस में आप सोडियम बेंजोएट और इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आ रखा है, तो उसके ऐसे के बारे में या फिर ऐसा लिखा होता है एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर लिखा होता है ऐसे ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो चाहे ऐसे बोल दीजिए चाहे एस्टिमेशन बोल दीजिए, बात एक ही है। तो जैसे कि हम जानते हैं ऐसे का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। इट मीन्स वॉट, किसी भी सब्सटेंस में कितने परसेंट वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, उसको डिटरमिनेशन करने के लिए जो अपन मेथड परफॉर्म करते हैं उसको अपन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे का मतलब क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस में परसेंटेज प्योरिटी जो है उसको अपन ऐसे से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन आज परफॉर्म कर रहे हैं एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का ऐसे। ओके, जैसा कि मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, देखिए ऐसे का मतलब है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी इज मीन वॉट, कि चाहे वो टैबलेट है या फिर कोई पाउडर फॉर्म में या सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसमें कितने परसेंट प्योर फॉर्म में जो है इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट है, उसी को डिटरमिनेशन करने का जो मेथड है उसको अपन ऐसे एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एम क्या है, देखिए टू परफॉर्म ऐसे इन गिवन सैंपल ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड टू फाइंड आउट द आउट परसेंटेज प्योरिटी इन द गिवन सैंपल ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं आपके सिलेबस में नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फर्स्ट सोडियम बेंजोइट, एसे ऑफ सोडियम बेंजोइट या फिर एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोइट, एंड सेकेंड जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ऐसे आप सोडियम बेंजोएट का वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो इट इज़ ए, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इसमें परफॉर्म होगी। अब नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर अपन किसी भी सब्सटेंस का जब ऐसे परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था किसी भी सब्सटेंस का उसका नेचर कैसा है। अगर वो एसिड बेस में है तो एसिड बेस टाइट्रेशन की हेल्प से उसका ऐसे परफॉर्म करेंगे। अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन के हेल्प से अपन उसका एनालिसिस करेंगे, या फिर प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है तो अपन प्रेसिपिटेशन की हेल्प से उसका एस्टिमेशन फाइंड आउट करेंगे, या फिर जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्सोमेटी टाइट्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो अपन कॉम्प्लेक्सोमेटी टाइट्रेशन की हेल्प से उसका एस्टिमेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सारे की सारे जो है अपन बात कर चुके हैं। यहाँ पे इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से अपन इसको परफॉर्म करेंगे। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई वी यूज द सॉल्वेंट इन द नॉन एक्वस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज अ साल्ट, इज वेरी वीक बेसिक इन नेचर, सो दे कैन नॉट बी रिएक्ट क्वान्टिटेटिवली विथ एक्वस परक्लोरिक एसिड। तो उसके लिए अपन क्या परफॉर्म करेंगे, इन ओवरकम दिस प्रॉब्लम मर्क्यूरिक एसिटेट इट यूज एडेड इट रिमेन अनडिजॉल्व इन एसिटिक सोल्यूशन एंड टू हैलाइड साल्ट देर बाय कॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड आयन बाय इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो अपन परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अपन परक्लोरिक एसिड के साथ परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सोडियम बेंजोएट का जब अपन ने ऐसे परफॉर्म किया था, सोडियम बेंजोएट जो है अपन किस में परफॉर्म कर रहे थे, नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ परक्लोरिक एसिड। अपन ने, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे के लिए दो स्टेप रहते हैं, फर्स्ट जिससे अपन ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, सेकेंड फिर ऐसे का स्टेप फॉलो करना। तो यहाँ पे अपन जानते हैं यहाँ पे जो परक्लोरिक एसिड जो अपन यूज करते हैं नॉन एक्वस एसिड बेस में, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो वीक बेसिस है और इसका नेचर जो है वो परक्लोरिक एसिड के साथ अपन उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते।
तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम आने के लिए अपन क्या करेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में आप देख सकते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट और इफेड्रिन हाइड्रोक्साइक्लोराइड मिलके जो अनायनाइज फॉर्म में अपन इसको आगे फर्दर एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना ऐसे में रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, नॉर्मल जो ऐसे में रिक्वायरमेंट रहती है टाइट्रेशन में, ठीक है, बीकर कॉनिकल फ्लास्क ये सारा अपन यूज करेंगे। और उसके बाद जो है केमिकल कौन कौन से यूज आते हैं, परक्लोरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिडेट, ये मिथाइल ऑरेंज जो है अपन एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। फिर थ्योरी के बारे में अगर बताऊँ तो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एनालाइट है अपना, सैंपल है। एनालाइट का मतलब क्या है, सैंपल जिसका कि अपन को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे उसकी थ्योरी के बारे में। थ्योरी में आपको फाइल में रिकॉर्ड में जनरल में क्या क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है उसका, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखिए ये इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे मेंशन है, C10H15NOHCl, ये जो है क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ 201.7 जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका। केमिकल नेम की बात करूँ तो इफेक्टिन हाइड्रोक्लोराइड इज 1R2S 2-methylamino 1-phenolpropane 1-ol हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। तो IUPAC नाम क्या हो गया इसका, केमिकल नेम जो अपन ने बताया। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो 220 जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। डिस्क्रिप्शन में बात करूँ तो इफेक्टिन HCl इज ए कलरलेस क्रिस्टल वाइट पाउडर में अवेलेबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टल वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज अफेक्टेड बाय द लाइट। तो ये लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो इसको अपन जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो लाइट सेंसिटिव होता है उसको अपन वेल क्लोज कंटेनर में एयर टाइट पैक करके रखते हैं, ओके। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूँ तो इट्स रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, ओके, रेडिली सॉल्युबल है वाटर और एल्कोहल में। देन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो क्या है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दैट मे आल्सो एनहांस द रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, ओके, एंड इट इज ऑफ्टन यूज्ड टू प्रिवेंट लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द स्पाइनल एनेस्थेसिया। देखिए इट इज ऑल्सो यूज, देखिए ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसकी क्या है, फर्स्ट तो क्या है कि अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्ट वैसे एज अपन इसको यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकेंड यूज है लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द स्पाइनल एनेस्थेसिया में इसको अपन यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज ऑल्सो यूज इन अस्थमा एंड हार्ट फेलियर, ओके, समटाइम इट इज ऑल्सो यूज इन अस्थमा एंड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट परक्लोरिक एसिड टाइट्रेशन, मिथाइल ऑरेंज एंड प्रिपरेशन और सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, कौन कौन से सॉल्यूशन जो है अपन को प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन एंड रिएजेंट में देखिए परक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज जो अपने एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। स्टर्नलाइजेशन प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, सबसे पहले अपन जानते हैं परक्लोरिक एसिड जो अपन बना रहे हैं उसका अपन को स्टर्नलाइजेशन करना है। स्टर्नलाइजेशन करने के बाद अपन ऐसे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ऐसे का प्रोसीजर क्या है, वेयर एक्यूरेटली अबाउट 0.17 ग्राम ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इंटू 250 ml ऑफ कॉनिकल फ्लास्क, देन डिजोल्व 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसिडिक सॉल्यूशन 1 week जेंटलिंग 50 ml एसीटोन एंड एड 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज इन एसीटोन इंडिकेटर, ठीक है, टाइटेट विथ 1 normal परक्लोरिक एसिड इन अंटिल द रेड कलर इज कॉरिड आउट ऑब्टेन एंड कैरिड आउट ए ब्लैंक टाइट्रेशन। देखिए यहाँ पे शुरुआत से मैं बताता हूँ इसको ईजी करके। सबसे पहले अपन जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप जब अपन टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसमें देखिए क्या रहता है, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये आपकी ब्यूरेट है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, एक जस्ट मैंने ड्रॉ करके बता दिया है। देखिए अब यूजुअली क्या करते हैं अपन कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, देखो 0.17 ग्राम जो है इसमें अपन को इफेड्रिन HCl जो है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या 250 ml कॉनिकल में अपने डाल दिया, फिर डिजोल्व इन 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसिड अपन को डालना है बिकॉज ऑफ लेस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस परक्लोरिक एसिड में उसका है, तो इसलिए अपन को मर्क्यूरिक एसिड डालना बहुत ही जरूरी है। और मर्क्यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसको हैंडल विद केयर अपन को बहुत अच्छे से लैब में लेबोरेटरी में यूज करते समय यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वार्मिंग जेंटलिंग एंड एड 50 ml ऑफ एसीटोन एंड मिक्स, ठीक है, फिर इसमें अपन को 50 ml जो है एसीटोन डालना है और उसके बाद एड 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसीटेट, एसीटोन इज ए इंडिकेटर एंड टाइटेड विद द 0.1 molar परक्लोरिक एसिड,
ठीक है, अब अपन को परक्लोरिक एसिड जो है वो अपन ने ब्यूरेट में फिल कर दिया है, और यहाँ पे जो है अपने नीचे क्या है कॉनिकल फ्लास्क में इफेट्रिन हाइड्रोक्लोराइड मर्क्यूरिक एसिडेट, तो फिर अपन को मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालना, और इंडिकेटर जैसे ही अपन ऑरेंज कलर का इंडिकेटर डालेंगे उसके बाद में अपन को क्या करना है टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। जैसे ही टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट पे अपन को कलर शो होगा। कैसा कलर शो होगा, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है रेड कलर जो है अपन को यहाँ पे शो होगा। रेड कलर जैसे ही शो होगा अपन ने टाइट्रेशन एंड पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है ऑब्जर्वेशन टेबल की। फॉर ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल अपन को पता है तीन रीडिंग अपन लेते हैं यूजुअली, और तीन रीडिंग का अपन मीन निकालते हैं, और ये मीन जो है ये मीन अपन आगे ऐसे की फॉर्मूले में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, इफेट्रिन HCl और प्रोटोनेटेड इफेट्रिन, यहाँ पे रिएक्शन के बारे में उसके बारे में, और फिर आता है फैक्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो फैक्टर कैलकुलेशन कैसे होगी, एक बार रिएक्शन देख लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट फैक्टर कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो फैक्टर कैलकुलेशन क्या है, देखिए वन मोल ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू वन मोल ऑफ इफेट्रिन HCl। ओके, जैसे कि अपन जानते हैं सबसे पहले अपन ने क्या किया, परक्लोरिक एसिड का सिंगलेशन किया, उसके बाद में वन मोल ऑफ इफेट्रिन HCl जो है वो वन मोल ऑफ परक्लोरिक एसिड के इक्वलेंट है। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1000 ml ऑफ वन मोल परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 201 g ऑफ इफेट्रिन HCl। इट मीन्स वॉट, 1 ml ऑफ 0.1 molar इफेट्रिन HCl इज इक्वल टू 0.027 g ऑफ इफेट्रिन HCl। देन लास्ट पॉइंट इज 1 mole ऑफ 0.1 mole ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 0.02017 g ऑफ इफेट्रिन HCl। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता चल गया कि 1 mole जो है परक्लोरिक एसिड जो ब्यूरेट में अपन ने भरा है उसका 1 ml वो 0. देखिए वो 0.02017 g ऑफ इफेट्रिन हाइड्रोक्लोराइड के बराबर है। तो अपनी रीडिंग कितनी आती है उस हिसाब से अपन सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 15 ml आता है तो 15 ml कितने के बराबर होगा। तो फर्स्ट अब बात करते हैं अपन कैलकुलेशन के बारे में, कैलकुलेशन कैसे रहेगा देखिए। यस, तो 1 molar ऑफ इफेट्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज इक्वलेंट टू 0.0204 पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या परफॉर्म किया, मोलरिटी चेक की, किसकी, इफेट्रिन हाइड्रोक्लोराइड की। 1 molar को अपन 0.1 molar का अपन ने बनाया था, बट एक्चुअली कितना मोलर का बना वो अपन ने चेक किया। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन अमाउंट ऑफ हाइड्रो इफेट्रिन HCl जो है उसके बारे में अपन ने चेक किया। वो क्या किया देखिए, 1 molar ऑफ 0.1 molar इफेट्रिन HCl इज इक्वलेंट टू 0.0201 g ऑफ इफेट्रिन HCl। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मलिटी आई है ये नॉर्मलिटी किसकी है, 0.1 molar हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनाया उसकी। यहाँ पे ये स्टेप टू में क्या है, जो ऐसे में रीडिंग आई है वो रीडिंग जो है वो अपन यहाँ रखेंगे, और वो XML जो है ये देखिए ये ऐसे की रीडिंग, ऐसे का ब्यूरेट की रीडिंग, और ये Y है नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में अपन को अमाउंट पता चल जाएगा। स्टेप थ्री में अपन क्या करेंगे, इसकी ऐसे ज्ञात करने के लिए परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे। वो कैसे निकालना है, देखिए कितना वेट किया था अपने, 0.17 g ऑफ इफेट्रिन HCl इज इक्वल टू 100%। तो 1 g जितना अपना आया है वो पी इक्वल टू, तो 100 × A/0.17, उसके बाद अपन लिमिटेशन, तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे। और उसके बाद अपन लिमिट जैसे ही पता चल जाएगी, इफेट्रिन HCl इज कंटेंट नॉट लेस देन 99.9% टू 101 के बराबर होता है, और रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, द नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड वॉज फाउंड इन दिस नॉर्मल, एंड परसेंटेज प्योरिटी जो है वो आपकी रिजल्ट में आएगी, वो आपको यहाँ लिखनी है और नॉर्मलिटी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इसी के साथ परक्लोरिक एसिड को इफेक्ट्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका ऐसे कंप्लीट होता है। वीडियो आपको होप सो समझ में आया होगा। देखिए डे टू डे अपन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने पूरी एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है जो कि है एक्सपेरिमेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, इस ऐसे ऑफ इफेक्टिन हाइड्रोक्लोराइड में अगर कोई कन्फ्यूजन है आप तो मुझे ज़रूर पूछें, कमेंट करें, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. ओके, थैंक यू सो मच.